हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा, कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दी है। 13,818 वोटों से जीत दर्ज करी है कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने। टोटल वोट्स मिले निखिल मदान को 72,118 और ललित बत्रा को टोटल वोट मिले हैं कुल 58,300। मेयर पद पर सोनीपत में कांग्रेस का कब्जा, बहुत कुछ कहता है ये परिणाम। और आप देखिए ये तस्वीरें, जीत का जश्न प्रत्याशी मनाते हुए, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता। हमारे सहयोगी यहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, आइए आपको सुनवाते हैं। सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ और पहले ही बाजी मारी है, उनसे जान लेते हैं कि सोनीपत का विकास किस नजरिए से देख रहे हैं। सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, और विश्वास दिलाता हूं जितने भी विकास कार्य रुके हुए थे जिसके अंदर सरकार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, चाहे सीवर का हो, सड़क का हो, चाहे पानी के मुद्दे का हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा, चाहे खजूर घोटाला, जरूर इनके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे और जल्द से जल्द इनका काम चालू कराने का भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं जांच करवाएंगे, जांच भी कराएंगे और इनके ऊपर काम भी स्टार्ट करवाएंगे। जो आज मैं समझता हूँ जो आज सोनीपत की जनता का हक है, सीवर, पानी, सड़क, ये तो उनको मिलना चाहिए और सबसे पहले हम इसको काम चालू कराएंगे। सबसे बड़ी जीत किसकी मानते हैं आपका? मैं सोनीपत की जनता की जीत मानता हूँ। सबसे पहले आपको इसका किसका आशीर्वाद मानते हैं? मैं मानता हूँ सोनीपत की जनता का आशीर्वाद है और विश्वास दिलाता हूँ जो पार्टी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आप मुख्य काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहले हम सीवर और पानी का काम स्टार्ट कराएंगे। सोनीपत में पहली बार इतिहास गवाह है कि आपने पहली बार बाजी मारी है, उसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये सोनीपत की जनता का श्रेय है और पार्टी की हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का श्रेय जाता है। ठीक है, देखिए जैसे निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत की जनता ने पहली बार आशीर्वाद दिया है, नगर निगम का पहली बार चुनाव हुआ है, तो ये काफी बड़ी जीत है। लाजपत हरियाणा न्यूज सोनीपत। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं और उनके साथ इस वक्त निखिल मदान भी हैं। लाजपत, अगर बात करें बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसके पीछे क्या कारण माने जाएं? जी बिल्कुल, हम निखिल मदान के साथ हैं और बातचीत करने के लिए प्रयासरत हैं। लगातार बात करें तो सोनीपत का, जैसे कि हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार बताया कि सोनीपत के इतिहास में आपने नाम लिखा है, सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव था और सोनीपत की जनता ने इतिहास में नाम लिखा आपका, और सोनीपत में धुरंधर नेताओं को बाजी देते हुए जनता बाजी देती है, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्या कुछ? मैं समझता हूँ ये जीत सोनीपत की जनता की हुई है क्योंकि आज बीजेपी ने सारे अपने हथकंडे अपनाए इस चुनाव के अंदर। आप भी देखते हो, चाहे इनके बड़े सीनियर लीडर आए बीजेपी के, चाहे आज इनके स्थानीय हमारे सोनीपत के लीडर हो, इन्होंने सारी कोशिशें करी, उसके बावजूद भी सोनीपत की जनता के अंदर इतना गुस्सा था इनके बीजेपी के खिलाफ में। मुझे पूरा विश्वास था कि सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और सोनीपत की जनता ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया। तो बीजेपी पार्टी ने 6 साल तक चुनाव नहीं होने दिया और उसमें जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी कोई जांच आपकी तरफ से हुई? सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सोनीपत के विकास कार्य मुद्दों के ऊपर हमने ध्यान देना है और जांच तो इनके साथ साथ में हम कराएंगे, जरूर कराएंगे। वो गोली भाली जनता है जो विकास के लिए भटकती थी, अब उनको तेजी गति से कुछ राहत मिलेगी? जरूर, जितने भी आज सीवर के काम रुके हुए हैं, चाहे पानी, पीने के पानी की लाइनें हो, सबसे पहले मेरा मुख्य रूप से मैं इनके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा और काम चालू कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो आप सोनीपत को क्या देना चाहते हैं तोहफा? मैं सबसे पहले समझता हूँ कि सोनीपत की जनता के लिए एक सीवर, सड़क और पानी सबसे जो विशेष चीजें हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले मैं समझता हूँ सोनीपत की जनता का हक है इस चीज के ऊपर, तो सोनीपत की जनता का हक तो उनको मिलना चाहिए। तो इसमें जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया, और साथ साथ में पार्टी हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताकर इतना बड़ा एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी। लेकिन निखिल मदान हमारे साथ जारी है, बातचीत है, इसमें आपको कितनी सी वोटों से जीत मिली
13,817 वोटों से जीत मिली। लाजपत मैं चाहूंगी, मेरा एक सवाल जरूर आप कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान से करें कि वो कितना किसान आंदोलन को मानते हैं, असर हुआ जिसका परिणाम जो है उनके फेवर में गया, किसान आंदोलन की क्या भूमिका रही उनकी जीत में। अपना इतनी ठंड के मौसम में भी धरने पर बैठे हुए हैं तो सरकार उनका जी उसी पर बात कर रहे हैं। और साथ साथ सोनीपत की जनता, नगर निगम की जनता का भी अंदर पूरा गुस्सा था। 6 साल से जो सोनीपत की जनता के सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का काम किया, तो दोनों मैं समझता हूँ दोनों तरफ से आज सरकार के खिलाफ मौत। तो आपको किसानों का आंदोलन का फायदा मिला है? हाँ, मैं समझता हूँ जरूर मिला है, क्योंकि आज नगर निगम के अंदर भी जो गांव आते हैं उसके अंदर जो किसान है, किसान वर्ग सारा का सारा परेशान है। गाँव के अंदर हाउस टैक्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सरकार ने दोनों तरफ से ही किसानों की भी और गाँव के लोगों की भी कमर तोड़ रखी है। बड़ौदा चुनाव के बाद पहली जीत आपने हासिल की है, तो कितनी खुशी है? बस मैं एक बार समझता हूँ, जो जनता ने आशीर्वाद दिया है मैं इसके ऊपर खरा उतरने की पूरी अपने प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा और विश्वास दिलाता हूँ जो भी संभव काम होगा उसको कार्य चालू करवाने का तुरंत प्रभाव से चालू कराएंगे। जी बिल्कुल, निखिल मदान ने कहा कि जो सोनीपत के विकास रुके हुए थे उन पर गति से वो काम किया जाएगा और जो भोली भाली जनता को जो बीजेपी पार्टी की तरफ से लूटा जा रहा था उस पर विकास पर तेजी से काम किया जाएगा। जी लाजपत, अगर ओवरऑल बात करें, देखिए निखिल मदान यहाँ पर सोनीपत की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेतृत्व की मैं बात करूं तो कांग्रेस के नेतृत्व का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना बड़ा रोल रहा है यहाँ पर कांग्रेस की जीत के पीछे? जी बिल्कुल, जैसे कि निखिल मदान ने कहा कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने काफी मदद की है, यहाँ पर डोर टू डोर गए हैं और लोगों के बीच अपील की है। और बात सबसे बड़ी बात है कि सोनीपत में नगर निगम का चुनाव पहली बार हुआ और इतिहास में जो है गवाह है कि इतिहास में पहली बार नाम लिखा गया है और नगर निगम का जो चुनाव है ये सोनीपत की जनता ने जीत का हासिल जो है निखिल मदान की झोली में डाला है। जी जी बिल्कुल लाजपत, वहीं अगर बात करें, देखिए जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर लगातार 35 दिनों से किसान डटे हुए हैं और किसान नेता भी ग्राउंड जीरो पर आकर लोगों से अपील कर रहे थे कि आपको किसे वोट देना है किसे नहीं देना है, तो किसान आंदोलन का या किसान नेताओं का भी एक बड़ी भूमिका रही है बीजेपी की हार में सोनीपत में मेयर पद के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान आंदोलन है इसमें बिल्कुल जो अंदर गाते जो है बातचीत करें तो अंदर खाते जरूर मदद की है, क्योंकि जो है एक महीने से अधिक जो सिंगू बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है किसानों का वो इसमें मेन भूमिका निभाई है, क्योंकि आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने अंदर खाते जो है बीजेपी को वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी को हार में किया और कांग्रेस को जीत में किया, तो ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है। जी नंदनी, चलिए बिल्कुल लाजपत आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं अब हम बात करेंगे सिरसा वार्ड नंबर 29 उपचुनाव की, जहां पर एचएलपी समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज